एक तरफ बसवना जी कांग्रेस पार्टी कहते हैं सबको लेकर आगे बढ़ो, सबसे भाईचारा और प्यार का बर्ताव रखो, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग कहते हैं नफरत फैलाओ, क्रोध फैलाओ, गुस्सा फैलाओ, देश को बांटो। को अन्ना भाग्य स्कीम दिया, हर घर में हर व्यक्ति को 7 किलो फ्री में चावल, बहुत अच्छा कार्यक्रम तमेंगे। हमने किसी की धर्म, किसी का जात, किसी की भाषा नहीं देखी। हमने कहा कि अगर कर्नाटक का व्यक्ति है, परिवार में हर व्यक्ति को 7 किलो चावल मिलेगा। वर्धन आई तू, फिर शहर के लोग हमारे पास आए और आपने हमें कहा कि आपने गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मगर शहर के लिए भी कुछ करना चाहिए। अंधेरी, और आपके सुझाव को हमने मानकर कर्नाटका के शहरों में एक के बाद एक इंदिरा कैंटीन खोलना शुरू की। इंदिरा कैंटीन ननु बड़वर्गागी प्रारंभ माड़ी थी। कम से कम पैसे में स्वादिष्ट खाना गरीब से गरीब लोगों के लिए कर्नाटक में हम देते हैं। कर्नाटका की जनता नरेंद्र मोदी जी को बताएगी, प्रधानमंत्री को बताएगी कि नहीं, हमें येदुरप्पा नहीं चाहिए, हमें रेड्डी ब्रदर्स नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस और सिद्धरमैया चाहिए। और आज मैं जरा कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, येदुरप्पा के ऊपर अदालत को उन्होंने सामना कर चुके हैं, अनर्गल, आधारहीन, झूठे आरोप लगाने से बाज नहीं आते आप? और जरा दुनिया को पूछने वाले मैं कांग्रेस के नेताओं को आज हुबली के मैदान से खुला सवाल पूछना चाहता हूं। मैं मर्यादाएं तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब आप सार्वजनिक सीमाएं मर्यादाएं तोड़ रहे हो, बताइए पूरी कांग्रेस में दम हो तो जवाब दें। और मेरे हुबली के भाइयों बहनों, ये सवाल आप भी कांग्रेस के नेता बताएं कि कांग्रेस की नेता मां और कांग्रेस के नेता उनका बेटा, क्या वे कोर्ट में जमानत पर छूटे हुए हैं? जरा बताइए ये आप पर एफआईआर क्यों हुई? मां बेटे पर क्या आरोप लगा? कोर्ट में से आपको जमानत क्यों लेनी पड़ी? मेरे कर्नाटक के भाइयों बहनों, आपको पता होना चाहिए ये कांग्रेस के नेता मां और बेटे के ऊपर 5,000 करोड़ रुपयों के घोटाले का आरोप है और इसलिए जमानत पे निकले हुए हैं। अरे जिस पार्टी के मुखिया जमानत पर चल रहे हैं वो हमें सवाल पूछ रहे हैं? कांग्रेस के नेता कान खोल करके सुन लीजिए, अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है लेने के देने पड़ जाएंगे।